हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको किसी वर्ड को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो या कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको फाइंड करना हो तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे, वो भी डिटेल में। तो वर्ड में अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा या इसके शॉर्टकट की क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि बहुत कम है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है और उसमें अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको फाइंड करना हो या फिर उस वर्ड को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो पेज वन ओपन है, इसी में मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर तो इसको फाइंड करना रिप्लेस करना बहुत ईजी है। पर वहीं पे अगर मैंने कोई स्टोरी लिखी हुई होती या कोई भी काम आपने लिखा हुआ होता और पेज होते 10, उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना, फिर हर एक जगह पर अगर आपको उस वर्ड को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो सोचिए कितना टाइम लग जाएगा। तो ये सब आप बहुत ही कम समय में और ईजी वे में कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करके। तो यहाँ पर होम टैब ओपन है। अगर होम टैब ओपन नहीं है, आप किसी और टैब पर हैं, तो सबसे पहले आप होम टैब को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइंड रिप्लेस। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F। आप इस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करके भी इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे ये ओपन हो गया है। तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना होगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मुझे फाइंड करना है यूट्यूब, मैंने यहाँ पर लिख दिया यूट्यूब। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ था वो हमें हाईलाइट करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर तो आप देख के ही पता कर सकते हैं कि यूट्यूब कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। पर वही अगर 10 पेजेस होते और उसमें यूट्यूब को अगर हमें फाइंड करना होता तो सोचिए कितना टाइम लग जाता। तो यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्चुअली अपने YouTube चैनल्स को भी येलो कलर से ही हाईलाइट किया हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको सेम लग रहा होगा। पर जब भी आप यहाँ से फाइंड करेंगे कोई भी वर्ड को तो वो अलग से हाईलाइट करके आपको शो हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे YouTube जितनी भी जगह पर लिखा हुआ है उतनी जगह पर नहीं, मैं किसी एक जगह पर ही YouTube को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ, या फिर जितनी जगह पे भी YouTube लिखा हुआ है उन सबको मैं किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस H। तो इस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करके भी आप रिप्लेस को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, यानी कि जो भी आपको वर्ड फाइंड करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कर दिखाया, आप उस तरीके से भी किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको केवल फाइंड करना हो तो वो सही है ऑप्शन, आप वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अगर आपको रिप्लेस भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको किसी वर्ड को फाइंड करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। जो भी वर्ड आपको फाइंड करना हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया यूट्यूब। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे क्लिक करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो वर्ड आपको शो होता चला जाएगा जिसको कि आपको फाइंड करना था, यानी कि फाइंड व्हाट में जो भी आपने वर्ड लिखा था उसको लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और इसको क्लिक करते जाइए, तो ये वर्ड जहाँ जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब मुझे यूट्यूब को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो ये कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि केवल एक वर्ड को अगर मुझे रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पे यूट्यूब बहुत जगह पे लिखा हुआ है, बट मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जगह पर यूट्यूब लिखा हुआ है हर एक जगह पर नहीं, किसी एक जगह पर ही मुझे यूट्यूब को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। तो ये जो लिखा हुआ है रिप्लेस विद, यहाँ पे वो वर्ड लिख दीजिए जिसके साथ आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल विश।
तो जिस भी वर्ड को आपको जिस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है वो रिप्लेस विद पे लिख दीजिए। तो यहाँ पर मुझे YouTube को रिप्लेस करना था जिस वर्ड के साथ, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कि मैंने लिखा है विश। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर फॉर एग्जांपल YouTube जो है वो 10-20 जगह पे क्यों ना लिखा हो, पर मुझे केवल एक ही जगह पे रिप्लेस करना है, बाकी जगह पे नहीं करना है, तो उस केस में आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए। बट रिप्लेस पे क्लिक करने से पहले ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपको जिस वर्ड को रिप्लेस करना है सबसे पहले तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ही रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो YouTube लिखा हुआ है मुझे इसको रिप्लेस करना है, उसके बाद क्लिक कर दीजिए रिप्लेस पर। तो ये देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है विश। अब अगर मुझे ये करना होता कि जहाँ जहाँ पे YouTube लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे मुझे विश लिखना होता, तो डायरेक्टली आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं, भले ही 100 टाइम्स अगर वो वर्ड लिखा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में, आप उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड के साथ और ईजिली फाइंड भी कर सकते हैं। आप सोचिए ये काम अगर आप खुद से करने बैठते तो ये कितना ज़्यादा टाइम ले लेता। एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें एक सिंगल वर्ड को फाइंड करना, अगर वो सिंगल वर्ड फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स लिखा हुआ है उसके बाद उसको किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना, तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप इरिटेट भी हो जाएंगे। बट यही काम फाइंड एंड रिप्लेस से बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।